वेलकम स्टूडेंट, SOM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज इस वीडियो में ज्योग्राफी की। हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। ट्वेल्थ क्लास आर्ट्स के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार का है, उसकी हमने शुरुआत की थी। आज उसी को हम आगे पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले तो वितरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने दो प्रकार के वितरण को पढ़ा था, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र या जनघनत्व वाले क्षेत्र और अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अब तीन नंबर का जो पढ़ेंगे वो है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। दो प्रकार का पढ़ लिया था, आज तीसरे नंबर की बात करेंगे, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ सामान्य रूप से जनघनत्व पाया जाता है, जिस जगहों पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर 10 से 100 के बीच में व्यक्ति रह रहे हैं और वहाँ जो जनघनत्व है वो 10 और 100 के बीच में प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है, तो वो आपका सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र होंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो वहाँ पर सामान्य रूप से क्यों है, क्योंकि वहाँ पर या तो अस्थाई कृषि है, इसके अलावा पशुचारण, वानिकी, वन से संबंधित, जंगल से संबंधित, ठीक है, और मरुस्थल, तो इनकी वजह से वहाँ पर इतना कम जनघनत्व है। ऐसे प्रदेश जहाँ पर इस वजह से कम जनघनत्व पाया जाता है, इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रदेश आते हैं, एशिया है एक तो, अफ्रीका है, और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के जो विस्तार घास के मैदान हैं, वो सारे सामान्य जनघनत्व वाले प्रदेश में शामिल हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने, एशिया, उसके बाद में बताया मैंने आपको अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के घास वाले मैदान, जहाँ पर सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चार नंबर जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो है कम घनत्व वाले प्रदेश या क्षेत्र, कम घनत्व या जनघनत्व वाले प्रदेश। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वो जो प्रदेश होते हैं, वो जो क्षेत्र हैं, वो आपके कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। इनका जो कम घनत्व वाले जो प्रदेश हैं, अगर उनकी बात करें तो वो आपके कौन कौन से हैं, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका, तो उसके अंदर आपका सूडान है, कौन सा सूडान, लीबिया जो देश है, सूडान जो देश है, इसके अलावा मालागासी देश है, कौन सा मालागासी देश। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सूडान, लीबिया, मालागासी, ये जो देश हैं जहाँ पर कम घनत्व वाला प्रदेश है, कम घनत्व पाया जाता है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से देश हैं, तो वहाँ पर एक देश है कनाडा, कौन सा कनाडा, उस कनाडा वाले जगह पर, उस देश में भी कम जनघनत्व पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो देश हैं वो तीन देशों के नाम याद करने हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो उत्तरी अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना या अर्जेंटाइना, तो अर्जेंटाइना, वहाँ पर कम जनघनत्व है। इसके अलावा जो पेरू देश हैं, पेरू भी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा जो इक्वेडोर देश हैं वो भी इसी में शामिल है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका के अंदर देश हैं, पेरू, इक्वेडोर, अर्जेंटीना, इनमें क्या है, कम घनत्व है, क्या है, यहाँ पर कम घनत्व है। अगर हम एशिया की बात करें कि एशिया में से कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कम घनत्व है, तो जो पश्चिम साइबेरिया है, इसके अलावा जो बोर्नियो है, कौन सा
नियो बोनिन नियो। और खाड़ी के जो देश हैं, खाड़ी के देश जहाँ पर तेल क्षेत्र पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है जो ईंधन के रूप में, डीजल के रूप में, वो जो देश हैं ईरान, इराक हैं, कतर वगैरह जो देश हैं, वो सारे देश ध्यान रखना है कि यहाँ पर खाड़ी देशों में भी कम गणित्व पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अंतिम और जो पाँच नंबर जो जन घनत्व वाले क्षेत्र हैं, प्राय नहीं के बराबर हैं। तो प्राय ऐसे क्षेत्र जहाँ जन विहीन क्षेत्र हैं, विहीन का मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आदमी वगैरह न के बराबर हैं, वो कौन कौन से प्रदेश हैं? ऐसे स्थान जहाँ पर एक व्यक्ति से भी कम है, एक व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग रहते हैं, वहाँ जन घनत्व। तो पृथ्वी का जो 70% आवासीय क्षेत्र है, उसमें से काफ़ी कम स्थान है जहाँ पर लोग रहते हैं। बाकी हमें ये समझना है कि ऐसे प्रदेश जो ज़्यादा ठंडे वाले इलाके हैं, अति शीतल प्रदेश हैं, इसके अलावा जो अति उष्ण वाले या उष्ण आद्र वाले जो क्षेत्र हैं, ज़्यादा गर्मी वाले, ज़्यादा उमस वाले जो प्रदेश हैं, वहाँ पर लोग कम हैं। अति शुष्क जो प्रदेश हैं, बिल्कुल सूखे, और जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हैं, जहाँ पर ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उस प्रदेश में भी क्या हैं, लोग कम रहते हैं, जनघनत्व कम पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जनसंख्या ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? तो जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या होता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का मतलब हुआ कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में जनसंख्या के आकार में होने वाला जो परिवर्तन होता है, वो आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष या निश्चित समय में होने वाला जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, वो जनसंख्या वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब ये कोई प्रदेश है और इस प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो प्रदेश है, इसमें किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय अंतराल में, समय में यहाँ जो लोग हैं, उन लोगों में जो परिवर्तन होता है, उन लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है, उनके आकार में वो परिवर्तन आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि सामान्य रूप से अगर जनसंख्या वृद्धि देखें तो हमेशा वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का मतलब हुआ जनसंख्या में बढ़ोतरी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जनसंख्या परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या कम भी पड़ सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है? तो हम जनसंख्या परिवर्तन को दो तरीक़ों से देख सकते हैं कि कहीं पर जनसंख्या बढ़ी है, मतलब प्लस हुई है, या कहीं माइनस हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जनसंख्या की जो कुल वृद्धि है, या निरपेक्ष निरपेक्ष जो वृद्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र है, अगर उस सूत्र की बात करें तो वो समय समय पर उस सूत्र के अकॉर्डिंग हम जनसंख्या के आंकड़ों को जान सकते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हुई है या उसमें कमी हुई है, ठीक है? तो हमें वृद्धि भी देखनी पड़ेगी कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से निकाली जाती है, कैसे हम वृद्धि आराम से ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो निरपेक्ष वृद्धि ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र भी है, किस प्रकार की निरपेक्ष वृद्धि, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि निरपेक्ष वृद्धि मतलब कुल वृद्धि, कुल वृद्धि को हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। तो ये वृद्धि दर हमको ज्ञात करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जो जनगणना की है उसमें जनसंख्या से भाग देकर, पहले वाली और बाद वाली जो जनसंख्या है उसमें जनसंख्या का भाग देकर अगर 100 से गुणा करेंगे तो आपको वृद्धि दर का पता लग जाएगा। किसका पता लग जाएगा? वृद्धि दर का पता लग जाएगा, ठीक है? ये बात आपको समझनी है कि किस प्रकार से वार्षिक वृद्धि दर आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो सूत्र आप देखेंगे तो सूत्र है आपका कि पिछले साल में जितनी जनसंख्या थी और उसमें जो अंतर था, उस अंतर को ऊपर लिखेंगे, और आज से जो पहली, इससे पहले जो जनसंख्या गणना थी उसको नीचे लिखेंगे। मतलब ये हुआ
कि विगत वर्षों का जो अंतर है वो ऊपर हो जाएगा और लास्ट जो जनगणना हुई थी वो नीचे लिखेंगे। अंतिम जनगणना जो लास्ट में हुई थी वो और इनटू आपको 100 करना है, तब आपकी जनसंख्या वृद्धि निकलेगी, निरपेक्ष वृद्धि निकलेगी। जैसे समझो आप, उदाहरण से समझो और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 2011 में जो जनगणना हमने की थी वो हमारे देश की 121.01 करोड़ जनसंख्या थी, ये जानते हो आप, ठीक है। और 2001 में जो जनसंख्या थी वो 102.7 करोड़ थी, ये आप सभी जानते हो। तो 121.1 करोड़ और 2001 में कितनी थी, 102.7 करोड़। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितना अंतर हुआ, कितनी वृद्धि हुई, कितने करोड़ लोगों में वृद्धि हुई, कितनी संख्या बढ़ी है। तो 18.3 करोड़ लोग बढ़े हैं, कितने, 18.3 करोड़। तो ये जो वृद्धि हुई है ये आपकी निरपेक्ष वृद्धि है, मतलब पिछले जो जनगणना थी उसको हम निकाल देंगे अब की जनगणना में। तो पहले थी उसमें से हम क्या करेंगे, अब की याद करने के लिए पहले वाली निकाल देंगे, तो अब जो शेष हो जाएगी वो याद रखना है। सिंपल सी बात है कि जैसे एक प्रदेश है, पहले यहाँ पर 1000 थी और जब पहली जनगणना की तब, और जब दूसरी जनगणना हुई तो वहाँ पर 1500 हो गए। तो बताओ कितने बढ़े, तो 500 तो बढ़े हैं, लेकिन ये कितने साल में बढ़े हैं, एक साल में या 10 साल में। तो हम जनगणना कितने साल में करते हैं, 10 साल में, तो 10 साल में बढ़े हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है, निरपेक्ष वृद्धि, मतलब एकदम शुद्ध कि कितनी हुई है, इतनी वृद्धि हुई है। ऐसा तो ना बोलेंगे 121 वृद्धि हुई, 121 वृद्धि नहीं हुई है, वृद्धि 18.3 करोड़ की हुई है, वो निरपेक्ष वृद्धि है। तो ये इतनी वृद्धि है, अब इसको आप परसेंट निकालना है, क्या करना होगा, इसका परसेंट निकालना है, कैसे निकालना है। निरपेक्ष वृद्धि का मतलब समझ में आ गया ना, कि एक कोई प्रदेश है जहाँ पर मान लो कि आज से 10 साल पहले 1000 लोग थे और वर्तमान की जो जनगणना की है उससे वो 1500 हो गए, तो कितने वृद्धि हुई है, 500 लोगों की। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 500 लोग एक साल में बढ़े हैं या 10 साल में बढ़े हैं, तो 10 साल में बढ़े हैं ना, हमें परसेंट निकालना है। हमें क्या करना है, परसेंट निकालना। तो कैसे, अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो 18.3 और इससे पहले जो आधार मानेंगे वो पिछली जनगणना को मानेंगे, तो 102.7। परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 का, किसका करते हैं अपन, 100 का करते हैं। जब इसको 0 से 0 कट जाएगा और इसको अपन 18.3001027 इसमें इसको भाग देंगे तो 17.81% आएगा, 17.81% आएगा, 81% आएगा, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन ये जो है जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितने साल में हुई है, 10 साल की है ना, नहीं हमको तो एक साल की निकालनी है। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि निकालते हैं, हर साल में कितना बढ़ता है, तो ये तो 10 साल का है तो एक साल का निकालेंगे, तो इसमें गुणा भाग किसका देंगे, 10 साल का देंगे, 10 साल का दिया तो 1.78% हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निरपेक्ष वृद्धि है वो कितनी है, 1.781, बिल्कुल याद हो जाएगा, समझ में आ गया ना किस प्रकार से हल करते हैं। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ये प्रदेश है ए, एक ये एक प्रदेश की बात करते हैं, एक प्रदेश है ए, यहाँ पर मान लेते हैं कि 2010 में जो जनसंख्या है वो थी आपकी 10,000, कितनी थी, 10,000। उदाहरण से समझना है आपको, एक बार ये उदाहरण अगर समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं तो उदाहरण वापस समझा रहा हूँ कि 2010 में यहाँ जनसंख्या कितनी थी, 10,000। 2020 में, 2020 में जब यहाँ की वापस जनसंख्या गणना हुई तो यह संख्या हो गई आपकी 15,000, कितनी हज़ार हो गए, 15,000। अब हमें यहाँ पर परसेंट निकालना है, निरपेक्ष वृद्धि दर निकालनी है। अगर निरपेक्ष वृद्धि देखें तो कितने लोग बढ़े हैं, तो आप बोलेंगे सर कि 2010 में तो 10,000 थे, 2020 में 15,000 हो गए, तो 5,000 की वृद्धि हुई है, कितने हज़ार की वृद्धि हुई है, तो 5,000 की वृद्धि हुई, तो ये निरपेक्ष वृद्धि है, क्या है, निरपेक्ष वृद्धि है। अब देखो क्या करना है आपको,
कि इसका परसेंट निकालना है, तो 5000 तो ऊपर लिखना है आपको, और किस आधार पर मानिए वृद्धि इसमें हुई या इसमें हुई, इसमें हुई है ना तो 10000 लिखेंगे आप नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 20 से 20 कट गए, 20 से 20 कट गए, कितनी वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की हुई है, 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन ये परसेंट की जो वृद्धि हुई है वो कितने साल में हुई है, 10 साल में, कितने ईयर्स में हुई है, 10 ईयर में, लेकिन हमको तो एक साल का निकालना है, तो जब 10 साल में 50% है तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो 10 का भाग दे देंगे, 50 में 10 का भाग दिया तो 5% प्रति वर्ष से वृद्धि दर हुई है, तो निरपेक्ष वृद्धि दर हो गया आपका 5%। 5% कैसे आया, समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में सूत्र की बात कर ली है, अब हमें समझना है कि विश्व जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार से बढ़ी है, कहाँ कहाँ कितने लोग बढ़े हैं उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो बात करते हैं विश्व जनसंख्या वृद्धि, अब देखो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से वृद्धि दर होती है, ऐसा थोड़ा ना है कि एक सब विश्व में सभी स्थानों पर एक जैसी वृद्धि दर है जनसंख्या की, नहीं, अलग अलग स्थानों पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि अलग है और उसकी दर भी अलग है। प्राचीन समय में जनसंख्या वृद्धि कम थी, प्रागैतिहासिक काल की बात करें, लेकिन समय के साथ साथ में अगर हम देखें तो वृद्धि दर में भी परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन समय में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कम थी, विषम जलवायु की दशाओं की वजह से उनको समय पर पोषण नहीं मिलता था, घुमंतु जनजातियाँ थी, उनकी जो आयु है लंबी नहीं थी, जल्दी चले जाते थे और वृद्धि दर उनकी कम थी, ये माना जाता था। लेकिन समय के साथ में परिवर्तन हुआ, लोगों ने खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि करना शुरू कर दिया और अलग अलग दशाओं का निर्माण हुआ और दशाएँ धीरे धीरे अनुकूलित हुई और मानव की रहने वाली जो क्षमता है उसमें विकास हुआ और धीरे धीरे मानव की रहने की क्षमता बढ़ती गई और जनसंख्या वृद्धि होती गई। हम जनसंख्या की वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियाँ देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियाँ देखेंगे। पृथ्वी पर मानव का जो उद्भव काल है ये कोई फिक्स नहीं है, प्राचीन समय से माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर के किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं है कि उस समय इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद में हमने जनगणना शुरू कर दिया है और हमने समझना शुरू कर दिया किस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुआ था। कितने लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले, और पृथ्वी पर उस समय कुछ ही जनसंख्या थी और उस समय की जनसंख्या को देखें तो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, कौन सा भाग, प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे, कौन से काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल। अगर हम प्राचीन समय की बात करें प्रागैतिहासिक काल के अंदर देखें तो जनसंख्या वृद्धि का क्या अनुमान मिलता है, पुराने समय में जो मुख्य रूप से इनके भोजन जो हैं वो आखेट के रूप में या संग्रह के रूप में व्यवस्था होती थी, ठीक है, और आखेट एवं भोजन संग्रह पूरा पाषाण काल में स्थानीय भागों पर ही होते थे। और अलग देखें तो महाद्वीपों पर बर्फ़ का कम होने के उपरांत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप, इसके अलावा एशिया, इन जगहों पर इन आदिवासी लोगों का विस्तार था। तो अफ्रीका वगैरह आपको नाम याद करने हैं, अफ्रीका हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, दक्षिण यूरोप हैं, यहाँ पर क्या थे, प्रागैतिहासिक काल के समय के मानव रहते थे, ये ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पर इनका विस्तार था। दरअसल अमेरिकी भूमि पर भी मानवीय उपस्थिति से पहले काफ़ी लोग रहते थे ऐसा माना जाता है और समय के साथ में इसमें परिवर्तन हुआ और उस समय अगर हम देखें अनुमान लगाएं तो उस समय जो संसार का औसत घनत्व है वो 0.04 है, 0.04 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर का था प्रागैतिहासिक काल में औसत जनघनत्व, ये ध्यान रखना है आपको। दो नंबर है प्राचीन काल, कौन सा काल, प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल की बात करेंगे, आज से लगभग 6000 वर्ष पहले, आज से
6000 वर्ष पूर्व संसार में कुछ ऐसे भाग थे जहाँ पर लोग मनुष्य कृषि और पशुपालन करते थे। कई भाग थे जहाँ मानव सभ्यता का विकास हुआ। नदी घाटियों के पास में व्यक्ति कृषि करना शुरू कर देता है और विश्व की उस समय जनसंख्या का जो अनुमान है वो 20 से 30 करोड़ माना जाता है कि आज से 6000 वर्ष पहले लगभग 20 से 30 करोड़ वर्ष लोग थे, इस प्रकार का अनुमान है। ये देखें तो विशेषकर भारत उपमहाद्वीप में पूर्वी जो एशिया है वहाँ पर यूनान और रोमन और मेसोपोटामिया मिस्र ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विशाल जनसमूह हुआ करते थे। ये ध्यान रखना है आपको आज से काफ़ी वर्ष पहले। उसके बाद में बात करते हैं मध्यकाल की। किसकी बात करते हैं? मध्यकाल की, कि मध्यकाल में किस प्रकार से जनसंख्या थी, कितनी जनसंख्या थी, उसकी बात करते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो 7वीं सदी से 1650 के बीच का जो कालखंड है वो मध्यकाल के रूप में माना जाता है। 700 ईस्वी से लगाकर 1650 का जो मध्यकाल है इसके बीच में देखें तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 55 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? 55। और उस समय जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो बड़ी धीमी थी, लेकिन कई देशों की अधिक थी, ठीक है। और जनसंख्या में अगर देखें तो कमी जो वजह रही है वो रही है बाढ़, सूखा, महामारी, उसी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो 4 नंबर हैं वो हैं आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो 17वीं शताब्दी के बाद से अब तक जो काल है वो आधुनिक काल है। और उस समय जो 55 करोड़ जनसंख्या थी और 1750 ईस्वी में ये बढ़कर 72 करोड़ हो गई इन 100 साल के अंदर, ये भी समझना है। और 1850 में फिर दुगुनी हो गई, 133 करोड़ लोग हो गए संसार में। और 1950 में देखें तो 251 करोड़ लोग हो गए और 2000 में हो गए 610 करोड़ लोग। 2000 में हो गए 610 करोड़ लोग और 2013 में देखें 714 करोड़ लोग। कितने करोड़ हैं? 714 करोड़ लोग हो गए। तो विश्व की इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर होती रहती है। हमने काफ़ी जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखा है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या वृद्धि दर की अगर आपकी बात करें तो समय समय पर इसमें वृद्धि दर होती रहती है, ठीक है, आप ध्यान देंगे। हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से संसार में जनसंख्या वृद्धि हुई है। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, ये सब करोड़ में, कितने करोड़? इतने करोड़। उसके बाद में है 1650, उसके बाद में 1750, फिर 1850, 1930, फिर 1962, ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि 1975, 1987, 1999, 2000 और 2000 के बाद में 2010 के बाद में देखें 2010 के बाद में देखें तो 2013, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले 100 से भी कम थी, 50 में थोड़ी बढ़ी, उसके बाद में 1750 में 1850 में 200 से ऊपर गई लगभग एक प्रकार से देखें तो। ठीक है, 1930 में देखें तो लगभग ये हो गई थी आपके
ये 100 से ऊपर हो गई थी 1800 में, उसके बाद 1930 का ये हो गया, ठीक है। 1962 की देखें तो 1930 की बात कर ली हमने, 1962 की देखें तो ध्यान रखना है आपको कि 300 की हो गई थी, कितनी 300। 1975 की देखें तो 1975 की देखें तो 400 के लमसम, और 1987 में देखें तो 500 के लमसम, 1999 में देखें तो 600 क्या होगी 600। 1999 2000 में तो कोई खास वृद्धि दर नहीं हुई, थोड़ी सी बड़ी है। 2010 में देखें तो 2010 की बात करें तो थोड़ी बहुत बड़ी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको 2010 के अंदर बड़ी और छोटी बढ़ती गई। 2013-15 इस प्रकार से काफ़ी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तो 2013 के अकॉर्डिंग 714 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर, संसार में पूरी जनसंख्या इतनी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।